शिकोहा वादे नगर के ईटा रोड स्थित आरडी रिसोर्ट में शिव कल्याण सेवा समिति एवं रोटी बैंक संस्था द्वारा गरीब असहाय एवं जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 3,000 से अधिक लोगों को कंबल बांटे गए। अध्यक्षता पूर्व चेयरमैन रघुवर दयाल गुप्ता ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एस ग्रामीण रणविजय सिंह और एसडीएम विवेक मिश्रा थे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि सहित अन्य अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसके बाद नगर के समाज सेवियों ने अतिथियों को शॉल एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि एसपी ग्रामीण रणविजय सिंह ने कहा कि समाज के सभी वर्गों के सहयोग से गरीबों की सेवा का जो संकल्प लिया गया है वह सराहनीय है। अध्यक्षता कर रहे रघुवर दयाल गुप्ता ने कहा कि नगर के सभी वर्गों द्वारा गरीबों की सहायता के लिए आगे ही आना सराहनीय कार्य है। समाज के सहयोग से गरीबों को सर्दी से बचाया जा सकेगा। रजनी यादव ने कहा कि प्रत्येक नर में नारायण का वास होता है, इसलिए नर को प्रसन्न करना नारायण को प्रसन्न करने के समान है। राजीव अग्रवाल ने कहा कि शिकोहावाद की धरती पर वरिष्ठ समाज सेवियों की सेवा भावना को परिलक्षित करता है, इसके लिए सभी समाज सेवी बधाई के पात्र हैं। पूर्व मंत्री विवेक अग्रवाल ने कहा कि गरीब असहाय बेसहारा दिव्यांग लोगों की सेवा अतुलनीय सेवा है और इस सेवा से स्वयं नारायण प्रसन्न होते हैं। एसडीएम विवेक मिश्रा ने कहा कि पृथ्वी पर नर नारायण का स्वरूप होता है, उसकी सेवा का अनंत पुण्य मिलता है। आप लोगों द्वारा जो गरीबी बेसहारा दिव्यांग लोगों को कड़ी सर्दी है जो सुविधा प्राप्त करा रहे हैं, ये वाकई काबिले तारीफ है। सभी समाज से भी बधाई के पात्र हैं। ग्रीन पार्क में हर वर्ष की भांति इस बार भी कंबल वितरण का आयोजन है, जिसे रोटी बैंक द्वारा संचालित किया जाता है। इस कंबल वितरण में असहाय लोगों को, जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरण किए जाते हैं, साथ ही साथ भोजन की व्यवस्था की जाती है। हर वर्ष इसी तरीके से आयोजन होता है, जिसमें शहर के सभी लोग शामिल होते हैं, मदद करते हैं। धन्यवाद। वितरण करते हैं और हर साल लगभग 6 वर्ष से ये कर रहे हैं और ये रोटी बैंक की तरफ से पूरा कार्यक्रम संचालित होता है। इसीलिए इसी बात हर वर्ष हम इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, हर साल सदस्य बढ़ाते हैं और रोटी बैंक को हम यही आशा करते हैं हमारे नए वरुण सिंगल अध्यक्ष जी बने कि आगे और इसको बढ़ाएं। ये इसी के साथ धन्यवाद। कार्यक्रम के अंत में पूर्व पालिका अध्यक्ष रघुवर दयाल गुप्ता ने सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन रजत शाह ने किया। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए फिरोजाबाद से मुकेश गुप्ता की रिपोर्ट।